वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35, जिसके अंदर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये पार्ट टू है। आज की जो वर्कशीट में हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमने कुछ वर्कशीट में देख भी लिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि ये हमेशा 1 होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको आइडेंटिटी। इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। रिकॉल करने के लिए दिया है यहाँ पर, पहले मैं इसको सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने क्या बोला, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया है, 30 डिग्री। तो आपको पता है कि 30 डिग्री क्या हो गया, थीटा ही हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया 1। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 1। तो बाकी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो साइन 30 जो टेबल है, आप जो है वो साइन 60 के कॉस 60 के बराबर है। तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ, साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2, जो कि किसके बराबर है, कॉस 60 के। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, साइन 30 एंड कॉस 60। तो जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो मैं साइन 30 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस 60, और cos 30 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, sin 60। इससे क्या होगा, मुझे दोनों के दोनों जो है 60 डिग्री में मिल जाएंगे। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, माइनस sin 60 माइनस cos 60। देखो cos 60 cos 60 यहाँ पे कट गया, sin 60 यहाँ पे कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर हो गया 0। प्लीज इस चीज को नोट करें क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2। देन दिस इज, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब होता है सेम एंगल, आंसर जो है इसका वो 1 ही आएगा। तो आप इसको खुद करके आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि अब इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये जो आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स में दे रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसने बोला है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेके। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेके में बदलना है। तो उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली क्या फॉर्मुलेज बता रखे हैं, ये फॉर्मुलेज जो है हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, अगर आप हायर क्लासेस में मैथ लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस क्या है, 1/k। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec। तो ये हमारा पहला हो गया। तो यहाँ पे साइन ए का हो गया अंडर रूट, तो ये आपका इसी तरीके से हम बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉसेक का भी दे रखा है इन्होंने, और टेन का भी दे रखा है, और कॉट का भी दे रखा है। सारे के सारे क्या है, आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे सेक में ही इन्होंने एंड करे हैं। तो इसे कहते हैं पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में बदलना। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, वो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है a sin थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है a cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो इसका मतलब क्या है, इसको स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है, और फिर उसको ऐड करना है। देखो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर ये दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर जो हो गया वो कॉमन हो गया, तो वो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में अंदर आ गया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमने पुट करा, तो इसलिए ये हो गया हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करें। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। उन्होंने दिया है साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 है, और बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, कॉस में दे रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे और भी तरीके हैं, यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को पहले मैं दूसरी तरफ लेके गया, तो ये क्या बन गया, माइनस में बन गया। ये वही लाइन समझ में आगे होगी,
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे पता मेरे को, वो हम जान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। अगर मैं इस चीज को, साइन को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया बेसिकली। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये निकाला है इन्होंने, ये वाला स्टेप, ये ध्यान रहे। साइन थीटा साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर करना था दोनों तरफ, क्योंकि हमें पावर चाहिए क्या, फोर चाहिए पावर। तो पावर फोर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पे स्क्वायर करा तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर करा तो यहाँ पर आ गया पावर फोर। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास पता है कि क्या है। इसी तरीके से अगर मैं कॉस को उधर भेजूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके गए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा इक्वल्स टू वन। तो इसका आंसर क्या हो गया, वन हो गया बेसिकली। देखिए आंसर तो बहुत छोटा है लेकिन करने का तरीका बहुत ही खतरनाक था। तो इसका आंसर क्या है, वन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इन्होंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी के बेसिस पे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, और इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, सेक टू एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, थीटा ही है। सेक टू एक्स प्लस कॉसेक टू एक्स इक्वल्स टू सेक टू एक्स मल्टीप्लाई कॉसेक टू एक्स, ये हमें प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हमें ये वाली जो चीज है इक्वल्स टू से जो पहले वाली जो जगह होती है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसके जो इक्वल्स टू के बाद वाली जो जगह होती है उसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो बेसिकली हम कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्विंग हम लिखेंगे, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, हम लिखेंगे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक टू एक्स, एक्स दे रखा है तो एक्स लिखेंगे प्लस कॉसेक टू एक्स। ओके, यहाँ पे टू एक्स नहीं है, ये बेसिकली ये क्या है, स्क्वेयर था टू एक्स। यहाँ पे हमने यहाँ पे जब टाइप करा है तो वो लिखने में गलती हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ। लिखने में गलती हुई तो पढ़ने में भी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। सेक स्क्वेयर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। सेक क्या होता है, अगर आपको याद हो, अब ऑपोजिट होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये होते हैं। तो ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, और ये इसके ऑपोजिट है। तो सेक किसके ऑपोजिट है, कॉस के ऑपोजिट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक किसके ऑपोजिट है, साइन के ऑपोजिट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे अगर दो नंबर होते हैं, अगर दो और तीन होता, जब इन दोनों का कोई कॉमन नहीं होता, ध्यान से समय, जब इनका कोई कॉमन नहीं होता तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर भी इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन सिंपल तरीके से हम कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब डॉट साइन स्क्वायर एक्स। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स। तो
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इस तरीके से आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है कि वो वन होता है, तो आंसर आ गया वन ऊपर, और नीचे क्या आ गया, फिर दोबारा नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका उल्टा जाएंगे, अब मुझे पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो वन अपॉन कॉस का हो गया सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन साइन का मतलब क्या हो गया, कॉस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये देखें हमें यही चाहिए था, ये देखो ये स्क्वायर है, ध्यान रखें इस चीज को, तो आर एच एस आ गया, नहीं आ गया, तो इक्वल्स टू आर एच एस हम लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इसका आंसर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। इसमें भी ध्यान रखें स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू के, तो हमें इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सॉल्विंग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ ढंग से, क्योंकि पहले ढंग से लिखा नहीं हुआ। सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस साइन थीटा, ओके मल्टीप्लाई वन प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ बन रही है, और हमें पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे वन, बी क्या है यहाँ पर साइन थीटा, तो ओपन करते हैं ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है सेक था, एक सेकेंड टाइपिंग एरर, सेक स्क्वायर थीटा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी अभी हमने सीखा था कि क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई किससे हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक और कॉस में से किसी एक को हम क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, अभी अभी सीखा था ना साइन कॉस टेन सेक क्या है, इसका ऑपोजिट है, तो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया वन। अब ये किसके इक्वल था, के इक्वल था, ये देख रहे हैं के इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू के, तो हमारा के का आंसर क्या आ गया वन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होने वाला है ये। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन, तो हमें साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स सबको लिखना है। देखो मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो साइन तो पहले से साइन में है तो इसको तो रहन दो, अब आएगी कॉस की बारी। अब कॉस के लिए, कॉस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी सोचेंगे। एज वी नो हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, हमें क्या चाहिए आंसर साइन में चाहिए कॉस का, देखो हम यहाँ पे कॉस का कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कॉस को अपनी जगह पे रखेंगे और साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये रूट उधर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे जाए, दूसरे कलर से करता हूँ मैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कॉस का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम, नेक्स्ट आपका साइन कॉस, अब बारी करेंगे हम टेन की, कलर वापस रेड ले लेता हूँ, टेन एक्स। अब टेन एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब हम टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। देखो ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से साइन में है, नीचे वाले का कॉस का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, ये देख रहे हैं ये निकल गया, तो हम वहीं से ले लेंगे। आइए चलते हैं वो लिख देते हैं फिर उसका आंसर, साइन एक्स अपॉन रूट वन माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ मैंने थीटा लिखना स्टार्ट कर दिया। ये आदत हो जाती है ना थीटा लिखने की, तो हम थीटा लिखने लग जाते हैं हर जगह पे। यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएंगे हर जगह पे। मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी एक्स में ही आएगा आंसर। यहाँ पे भी देखो मैं एक्स में ही लिखना है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 10x का आंसर, साइन कॉस 10। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। मैं पहले कॉट का ही कर देता हूँ, कॉट एक्स। देखो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा मतलब 1/10 होता है। तो बेसिकली कॉट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उल्टा, √1 − sin² x / sin x। बहुत ही सिंपल हो गया है। तो आगे कौन सा बचा, साइन कॉस टेन कॉसेक बचा। देखो कॉसेक तो बहुत ही इजी होता है, कॉसेक्स होता है 1/sin x, डायरेक्ट आंसर खत्म। ये तो बहुत ही बेसिक था, हाँ बोलेंगे बहुत ही मजा आ गया ये वाला, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। सेक एक्स क्या होता है बेसिकली, वो होता है 1/cos x होता है, और कॉस एक्स का आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं। आप बोलेंगे कॉस एक्स बहुत काम का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स का जगह पे उसकी वैल्यू √1 − sin² x। तो ये हो गया सेक एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी की सारी वैल्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को ये वीडियो, ताकि बाकी दोस्तों को भी आपके पसंद आए और लाइक कर सकें, हमारा प्रोत्साहन हो। तो थैंक यू वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।